अब देखते हैं हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में ऑस्मोरेगुलेशन किस प्रकार से होता है, पिछली वीडियो में हमने स्टडी की है कि डिफरेंट एनिमल में किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा था, और फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के थ्रू फिश में हमने देखा ऑस्मोरेगुलेशन किस प्रकार से हो रहा था। तो इस प्रकार अब जो एम्फीबियास जो ग्रुप आते हैं उसमें हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन किस प्रकार से होता है। तो जो ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, जो साल्ट रहता है और जो वाटर रहता है, जो वाटर रहता है वह यूरिन में अधिक मात्रा में वाटर पाए जाने के कारण कम मात्रा में साल्ट रहता है, जिसके कारण वो डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, है ना। लेकिन वही साल्ट क्या होता है, स्किन के थ्रू भी बाहर निकलता है, साथ ही साथ जो एपरेटस पाए जाते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू भी वह एम्फीबिया क्या बोलते हैं, साल्ट को बाहर निकालते हैं। और यदि अधिक साल्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है, साल्ट लॉस अधिक हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो एम्फीबियास में जो डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो किडनीज पाया जाता है, जो उसके ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, वह पुनः रीअब्जॉर्ब करने लगते हैं साल्ट को पॉन्ड वाटर से। तो इसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो वाटर इंटर ऑस्मेटिक एट स्लो रेट ड्यू टू लो परमिबिलिटी ऑफ स्किन, स्किन की परमिबिलिटी बहुत कम होने के कारण जो ऑस्मोटिक जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। द वाटर इंटर इन एक्सक्रीटेड अस डाइल्यूट यूरिन, जिसके कारण वाटर लगातार इंटर कर रहा है तो जो एक्सक्रेशन की प्रोसेस होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी, है ना। साल्ट इज लॉस इन द यूरिन बट अगेन अब्जॉर्ब फ्रॉम द पॉन्ड वाटर। मैंने वही बताया कि जो साल्ट का लगातार लॉस हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए अगेन फिर से वो पॉन्ड वाटर से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। द लॉस ऑफ साल्ट इज आल्सो मिनिमाइज बाई एक्टिव एब्जॉर्बेशन इन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर। और यही एक्टिव एब्जॉर्बेशन की प्रोसेस में जो किडनी ट्यूब्यूल्स और यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उसके द्वारा जो साल्ट का लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जाता है। और पैसिव वाटर रीअब्जॉर्बेशन आल्सो ऑक्यूर विच इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट एब्जॉर्ब। और जो पैसिव वाटर रहते हैं उसका रीअब्जॉर्बेशन होते समय उसमें क्या होता है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इंक्रीज होने लगता है। और यूरिन का जो इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में आल्सो सीक्रेट सम स्पेसिफिक साल्ट अस यूरिया। और यही जो किडनी से जो रीअब्जॉर्बेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ से साल्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। यूरिन प्रोडक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस विच मे ऑल टूगेदर स्टॉप यूरिन प्रोडक्शन व्हेन द एनिमल स्टे ऑन लैंड। जो यूरिन प्रोडक्शन, जो लगातार यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल के बॉडी में, उसको मेंटेन करने के लिए जो नर्व्स पाए जाते हैं उनको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, मे ऑल टूगेदर स्टॉप यूरिन प्रोडक्शन व्हेन द एनिमल स्टे ऑन लैंड, जो कि भूमि पर या लैंड्स में पाए जाते हैं और एक दो एक साथ यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार से एम्फीबिया में क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस एम्फीबिया में मेनली ऑर्गन्स जो होते हैं वो होता है किडनी ट्यूबल्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर्स, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लॉस और गेन करते हैं वाटर के एंड साल्ट के मूवमेंट को। ये होता है एम्फीबिया इन ऑस्मोरेगुलेशन। देन हम लोग देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं हम लोग सब जानते हैं कि यह जो इसका जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड कहने का अर्थ यह है कि जो यूरिक एसिड होते हैं वह सेमी सॉलिड या पेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स, या जो रेप्टाइल्स जो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं उसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स के बॉडीज पे स्किन में स्केल पाए जाते हैं, चाहे वो हॉर्नी टाइप से हो, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, लेकिन कुछ मात्रा में वहाँ पे स्किन्स पाए जाते हैं। तो उसके थ्रू यह ऑस्मोरेगुलेशन में जो लगातार वाष्पोत्सर्जन या लगातार जो वाष्प के रूप में जो वाटर बाहर निकाल रहा है, लॉस हो रहा है, उसको रोकने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग एक रेप्टाइल्स के बारे में देखते हैं किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो सम पॉइंट्स में हम आते हैं
मोस्ट ऑफ द टेरिस्ट्रियल इनहेबिट, जैसे कि पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं टेरिस्ट्रियल इनहेबिट्स में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल क्या होता है दोनों रीजन में पाया जाता है, वो एम्फीबायोटिक होता है ना। और क्या बोलते हैं, देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये जो मतलब लैंड में अपनी वाटर की स्कैर्सिटी बताते हैं, है ना। द एनिमल टेंड टू लॉस वाटर बाई एवापोरेशन, और जो एनिमल रहते हैं वह मतलब एवापोरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो यह बताते हैं कि वाटर मतलब ऑस्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स किस प्रकार से प्रोसेस करती है। तो यूरिन, यूरिन तो सबको पता है एक वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकालता है, जो यूरिन रहता है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो चाहे डाइल्यूटेड यूरिन हो। यूरिन फॉर्म वेस्ट और सेमी सॉलिड, हेंस वाटर लॉस इज मिनिमाइज। जो रेप्टाइल्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकालते हैं, तो सेमी सॉलिड होते हैं, जिसके कारण यूरिन में क्या होता है, यह अधिक डाइल्यूट नहीं होते और वाटर का लॉस बहुत कम होता है। और वाटर का बहुत लॉस बहुत कम होगा तो वाटर क्या होता है एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता भी कम होगी, है ना। दूसरा पॉइंट कहता है दिस एनिमल एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्सक्रेशन रिक्वायर लेस वाटर। क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वह बहुत ही कम मात्रा में क्या बोलता है वाटर का लॉस करता है ना, जिसके कारण यूरिक एसिड में जो लेस वाटर का लॉस होता है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड बाय एपिडर्मल हॉर्नी स्केल। मैंने पहले ही कहा है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बॉडी में कुछ स्केल्स पाए जाते हैं जो कि इवापोरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं। तीसरा कहा गया, चौथा पॉइंट क्या कहता है, इन मोलाच हॉरिडस, जो मोलोच हॉरिडस रहते हैं एक प्रकार का लिजार्ड होता है ना, जो कि डिजर्ट लिजार्ड होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, उसका जो स्किन होता है एक प्रकार से ब्लॉटिंग पेपर के रूप में कार्य करता है। ब्लॉटिंग पेपर कहने का अर्थ यह है कि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो जो वेपर रहते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करने का रहता है, जो वाष्प जो उड़ते रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो वाष्प जो लॉस ऑफ वाटर होती है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, और जो एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसमें वाटर की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है और बहुत ही कम मात्रा में उसकी लॉस होती है। इस पांचवा पॉइंट कहता है कंपोजिट वाटर लॉस बाय ड्रिंक ऑफ वाटर, और जो वाटर का जो लॉस लगातार हो रहा है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए यह ड्रिंक ऑफ वाटर, वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं टर्टल। ये टर्टल्स एक का एक डायग्राम है जो दिखाई दे रहा है। टर्टल्स में कुछ आपको उसके आइस पर जो टीयर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो यहीं पे जो टीयर्स जो निकल रहे हैं वो एक प्रकार के विशेष प्रकार के ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं, जिसमें जो टीयर्स निकल रहे हैं उसी के थ्रू उसके ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है। जो टीयर्स निकल रहे हैं ना उसके साल्ट ग्लैंड से, है ना, जो आई के कॉर्नर में पाया जा रहा है, वहाँ से यह मीडियम को प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से मीडियम होना चाहिए किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, मेराइन रेप्टाइल लाइक टर्टल के बारे में भी हम देखते हैं, लिव इन द हाइपरटोनिक मीडियम। ये हाइपरटोनिक मीडियम में मतलब इसके सराउंडिंग मीडियम क्या होता है, हाईली साल्ट होता है, लेकिन जो बॉडी फ्लूड का मीडियम होता है बहुत ही कम साल्ट होता है। तो वाटर क्या होगा, बहुत कम वाले साल्ट के एरिया से हाई साल्ट वाले एरिया की ओर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगी, और यही एक्सोस्मोसिस क्या करेगा, इसकी वाटर लॉस को बढ़ा देगा, जिसके कारण यह एक्सक्रेशन की प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे मेराइन एनिमल जो रहते हैं, जो यूरिन जो बाहर निकल रहा है यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो क्या होता है हाईली अमाउंट में निकलेगा, और जो कि सफिशियंट नहीं होगा बॉडी के लिए। और इस प्रकार से ये जो एक्सेस वाटर या साल्ट का जो एक्सेस अमाउंट निकलता है जो सेमी सॉलिड अमाउंट में, वो होता है आई टीयर्स के रूप में, टर्टल टीयर्स के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार से रेप्टाइल्स क्या करते हैं, एक एग्जांपल के रूप में हम देखें डायग्राम में जो टर्टल्स का टीयर निकल रहा है उसमें जो है सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में वाटर का एवपोरेट हो रहा है। इस प्रकार से ये रेप्टाइल में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है। देन हम बर्ड्स में देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में भी वही प्रोसेस होती है कि ना, मेजोरिटी ऑफ द बर्ड आर टेरिस्ट्रियल इनहेबिटर। जानते हैं कि बर्ड जो होता है उड़ सकते हैं, साथ ही साथ टेरिस्ट्रियल रीजन में रह सकते हैं, है ना।
देयर इज स्कैरिटी ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये भी वाटर के जो लैंड में जो वाटर पाए जाते हैं उसको भी स्कैरिटी करने का कार्य करते हैं, है ना। दिस बर्ड टेंड टू लॉस वाटर बाई एवपोरेशन, सेम रेप्टाइल की तरह भी लॉस ऑफ वाटर को एवपोरेशन के थ्रू करते हैं, है ना। हेंस द बर्ड हैव डेवलप्ड सर्टन इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। लेकिन वाटर कंजर्व करने के लिए बर्ड्स में बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक्स दिया गया है बर्ड्स में किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन होता है। तो बर्ड्स में पहले देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बर्ड्स में हम जानते हैं कि बर्ड्स का जो बाहरी कवर रहता है फीदर होता है, तो जो बर्ड्स को फीदर जो है उसके बॉडी को ढका रहता है, जो फीदर रहता है वह उसके वाटर लॉस को या एवपोरेशन को कम करता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट यह कह रहा है, यूरिन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड यूरिक एसिड, ये भी यूरिक एसिड के रूप में सेमी सॉलिड पार्टिकल के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें लूप ऑफ फेनलेस पाया जा रहा है जो कि यूरिनिफेरस ट्यूबल के थ्रू वाटर को पुनः रिअब्सॉर्ब कर रहा है यूरिन से। चौथा पॉइंट यह कह रहा है कि सिक्लोइकल चेंबर जो होता है कैपेबल रहता है वाटर को यूरिन से एब्जॉर्ब करने के लिए, फीकस से एब्जॉर्ब करने के लिए। पांचवा पॉइंट यह कह रहा है कि इसमें जो ADH हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो होता है रीअब्जॉर्बेशन, वाटर के रीअब्जॉर्बेशन करने के लिए पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। और क्या बोलते हैं, वाटर को के लॉस को कम करने या वाटर को बॉडी के अंदर बढ़ाने के लिए ड्रिंकिंग की प्रोसेस होती है। सातवा पॉइंट कह रहा है कि लगातार जो बर्ड जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, तो यह उसके जो बॉडी में फैट पाए जाते हैं उसके बॉडी के फैट से यह वाटर को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स रहते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन को प्रोसेस को बताते हैं। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है मेरेन बर्ड्स, जो गल्फ पिंगुइन्स का एग्जांपल दिया गया है। इसमें जो इसके नेजल डक्ट, नेजल साल्ट ग्लैंड, जो नोस्ट्रिल से जो बाहर निकल रहा है कुछ सेमी सॉलिड ग्लैंड से बाहर निकल रहा है, जो सेमी सॉलिड जो निकल रहा है वाटर के फॉर्म में, वो क्या हो रहा है, बाहर से सिक्रीट हो रहा है जो पेंगुइन्स बर्ड में है। साल्ट ग्लैंड पास द साल्ट सिक्रेशन थ्रू देयर डक्ट इन द नेजल कैविटी, दिस सिक्रेशन ओजेस आउट थ्रू द टिप ऑफ द बीक, जो कि उसके बीक या चोंच के क्या बोल सकते हैं किनारे से बाहर निकल रहा है, और यही एक्सेस साल्ट वाटर को बाहर निकाल रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में वाटर का लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया वो ऑस्मोरेगुलेशन इन बर्ड्स। तो इतने में हमारे ऑस्मोरेगुलेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन मेमल्स में हम लोग अपने खुद का ही देख सकते हैं, ह्यूमन बींग का देख सकते हैं, जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो था ऑस्मोरेगुलेशन इन बर्ड्स, है ना। अब थोड़ा बहुत ऑस्मोरेगुलेशन इन मेमल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम अपने खुद के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार हम ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस करते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है। नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि एक मेन यूनिट होता है किडनी का, जो कि टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं हम लोग या मेमल्स लोग, जो होम्योस्मेटिक एनिमल रहते हैं, और ये ऑस्मेटिकली स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो ये किस किस थ्रू से लॉस ऑफ वाटर करते हैं जो मेमल्स रहते हैं, ये एवापोरेशन के थ्रू वाटर का लॉस करते हैं, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस करते हैं, है ना, फिर फीकस के थ्रू करते हैं, रेस्पायरेशन के थ्रू करते हैं, स्वीटिंग के थ्रू करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारे बॉडी से वाटर का लॉस होता है, चाहे वो पसीने के थ्रू हो, चाहे वह स्वेटिंग क्या बोलते हैं रेस्पायरेशन के थ्रू हो, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हो। देन जो मेमल्स रहते हैं वो वाटर को गेन किस प्रकार से करते हैं, तो हम लोग सिंपली तो पानी पीते हैं ड्रिंक के द्वारा, फूड के द्वारा, और बहुत सारे सीड्स के द्वारा जो मेमल्स रहते हैं सीड्स को खाते हैं, जो प्लांट रहते हैं जो प्लांट से जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेटाबॉलिक वाटर के द्वारा। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम अपने बॉडी में जो ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो उसको बताते हैं। इस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। अब एक प्रकार से चार्ट दिया गया है जिसमें हम बता सकते हैं कि जो वाटर का लॉस हो रहा है
और किस प्रकार से हो रहा है। यदि हम राइट साइड के चार्ट को देखें तो इसके सबसे ऊपर में लिखा है वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इन हाई। तो ब्लड में हाई वाटर कंटेंट है मतलब वही ब्लड डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ना होकर डाइल्यूट कंडीशन में है। तो पहला क्या होता है, यदि वाटर कंटेंट ब्लड का हाई हो जाता है तो क्या होता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को। तो ब्रेन जो होता है एक प्रकार से रिसेप्टर के रूप में यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, सही प्रकार के कार्य करता है। तो ब्रेन क्या होता है, लेस ADH। अब ब्रेन को सिग्नल मिल गया तो अधिक मात्रा में वाटर बन रहा है ब्लड में, तो क्या करेगा, ब्रेन को प्रोड्यूस करेगा बहुत कम मात्रा में ADH, जो पहले ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा था बहुत कम मात्रा में प्रवेश कर, मैंने कि क्या बोलते हैं उसको प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण ADH की मात्रा यदि लो हो जाती है तो रीअब्सॉर्बेशन की प्रोसेस भी लो हो जाती है किडनी के द्वारा, जिसके कारण यूरिन का आउटपुट जो होता है बढ़ जाता है, और यूरिन का आउटपुट बढ़ने से वाटर कंटेंट जो होता है वह अधिक मात्रा में निकलने लगता है, और इस प्रकार से वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज़ नॉर्मल, इस प्रकार से मेंटेन हो जाती है। देन हम लेफ्ट साइड के चार्ट को देखें तो लेफ्ट साइड का चार्ट यह बता रहा है कि यदि वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड नॉर्मल है तो टू मच साल्ट आर स्वीटिंग, तो स्वीटिंग और साल्ट के द्वारा वाटर अधिक मात्रा में निकलेगा, जिसके कारण वाटर कंटेंट क्या होगा ब्लड में यहाँ पे लो हो जाएगा। और यदि ब्लड में वाटर कंटेंट जो होता है लो हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्रेन क्या होता है, अधिक मात्रा में एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और जब एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा तो हाई मात्रा में रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस करेगा, और जब रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस अधिक हो जाएगा तो यूरिन क्या होगा बहुत कम मात्रा में निकलेगा, और इस प्रकार से मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रकार बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती रहती है। और इस प्रकार से एनिमल्स हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे फिश हो, चाहे अदर क्रस्टेशियन एनिमल ही क्यों ना हो, अदर इनवर्टिब्रेट एनिमल ही क्यों ना हो, सभी में इस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। देन इसे कंक्लूजन यह निकलता है कि ऑस्मोरेगुलेशन में बॉडी फ्लूड और बाहरी इन्वायरमेंट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एनिमल में उसको ऑपरेट किया जाता है, और वाटर और सॉल्यूट के मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है ऑस्मो कॉन्फॉर्मेंस और ऑस्मो रेगुलेटर पर कार्य करता है, और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के बैलेंस को बनाए रखता है। इस प्रकार से ये रिफ्रेंस हैं, और इस प्रकार से मेरा जो ऑस्मोरेगुलेशन का टॉपिक था, जो स्टडी टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।